सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो थंबनेल और टाइटल देखने के बाद तो पता चल ही होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। टॉप 10 बेस्ट राइवल्स ऑफ, मतलब टॉप 10 नहीं, टॉप 9 बेस्ट राइवल्स ऑफ एश केचम। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 9 में आता है, वेट, नंबर 9 बताने से पहले मैं इंट्रो तो स्टार्ट कर देता हूँ। सो अब इस आग वाले इंट्रो के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 9 में आता है बैरी। बैरी देखो, वो इतना कुछ ज़्यादा स्ट्रांग ओपनर नहीं था बिकॉज वो बहुत ही जल्दी पॉल से हार गया था। सो इसलिए वो नंबर 9 में आता है। नंबर 8, सो नंबर 8 में आता है ट्रिप। ट्रिप को जैसे हमने सोचा था कि ट्रिप ज़्यादा स्ट्रांग होगा, वो बहुत ही अच्छा राइवल होगा ऐश का, बट नहीं, वो तो अलग ही राइवल निकला। वो यूनोवा में टॉप 28 में आया था, मतलब सॉरी टॉप 128 में आया था, जिसके वजह से वो बहुत ही मतलब बहुत ही वीक है और उतना कुछ ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है इतने सारे अच्छे बुकमार्क्स के बाद भी। सो इसलिए वो नंबर 8 डिजर्व करता है। सो नंबर 7, सो नंबर 7 में आता है ग्लैडियन। देखो ग्लैडियन पोकेमॉन अलोला रीजन से है, अलोला रीजन से ग्लैडियन भी अलोला, मतलब ग्लैडियन अलोला रीजन से है और वो सन एंड मून में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग राइवल था ऐश का। सो नंबर 7 डिजर्व करता है। इवन ग्लैडियन ऐश को हरा भी सकता था सन एंड मून में पोकेमॉन अलोला रीजन में, बट ऐश जीत गया। आप जानते कि ग्लैडियन लिली का ब्रदर है और आप जानते होगी कि ये कितना स्ट्रांग है और उसके पास काफ़ी सारे अच्छे पोकेमॉन भी है, सिल्वर वैली और भी कई सारे पोकेमॉन है, मुझे नाम याद नहीं है। इसीलिए ग्लैडियन नंबर 7 डिजर्व करता है। और नंबर 6 में आता है टाइसन। मैं वो बेबे वाले टाइसन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक पोकेमॉन में अभी होयन रीजन में है एक टाइसन, सो उसकी बात कर रहा हूँ। और वो बहुत उसके पास एक मियाव था जो बहुत ही पावरफुल है, वो टीम रॉकेट वाले मियाव जैसा तो नहीं है बट वो बहुत पावरफुल है वो मियाव। और उस और अगर भी, बट वो फिर भी हार गया था ऐश उससे, वरना वो ऐश उसे हरा सकता था, बट वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था तो इसलिए वो नंबर 6 पर। और नंबर 5 में आता है गैरी। आप जानते होगे कि गैरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग राइवल था ऐश का और वो मेरा वो भी मेरा एक फेवरेट राइवल है और वो बहुत ही अच्छा राइवल था ऐश का। और ऐश ने और उसके पास बहुत अच्छे पोकेमॉन्स भी थे जो ऐश को हरा सकते थे। ऐश जोटो में भी गैरी ने ऐश को बहुत अच्छी टक्कर दी थी, वो बहुत अच्छी वाली टक्कर दी थी और उसके पास बहुत सारे अच्छे पोकेमॉन्स भी है, बट अब सैडली वो पोकेमॉन ट्रेनर नहीं रहा, अब वो है एक प्रोफेसर। सो ये इसीलिए गैरी नंबर 5 में आता है। सो नंबर 4 में आता है सॉयर। सो सॉयर आप जानते होगे कि वो भी कालोस रीजन का एक राइवल है और वो बहुत ही स्ट्रांग था, उसका स्केप्टाइल और वो एक मेगा स्केप्टाइल यूज़ करता है और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, बट वो ऐश से कालोस रीजन में हार गया था बिकॉज वो स्ट्रांग तो है बट आप जानते होगे कि ऐश ज़्यादा स्ट्रांग है। सो इसीलिए सॉयर नंबर 3 में आता है। हाँ सॉरी, सॉयर नंबर 4 में आता है, नंबर 3 में नहीं, सॉरी गलती से बोल दिया था, ठीक है। सो नंबर 3 में आता है रिची। वो उतना कुछ ज़्यादा खास ट्रेनर नहीं है बट उसने ऐश को हराया था इंडिगो लीग में, बट वो इसलिए बिकॉज उस वक्त चेरिज़ार्ड ऐश की बात नहीं मानता था, अगर चेरिज़ार्ड ऐश की बात मानता था तो ऐश जरूर से जरूर जीत जाता था। सो इसलिए रिची नंबर 3 में आता है। नंबर 2 में आता है एलान, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग राइवल था ऐश का कालोस लीग में। सच में वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था बिकॉज अब जानते हो कि कितना इतना अच्छा उसने मैच करा था कालोस में, बट वो ऐश हार गया था उससे। एलान ऐश का टक्कर का था और वो बहुत ही स्ट्रांग राइवल था सच में ऐश का, वो इतना स्ट्रांग था ना यार, बोलो ही मत, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। उसने ऐश को हरा दिया था कालोस लीग में, बट वो ज़्यादा स्ट्रांग है और वो ज़्यादा स्ट्रांग है इसलिए वो नंबर 2 में आता है। अब नंबर 1 में आता है पॉल, जो मेरा सबसे फेवरेट राइवल है सच में, वो बहुत ही ऑसम है। वो उसके जो पोकेमॉन्स थे वो बहुत ही ऑसम थे और उसने चिंचार को भी रिलीज कर दिया था बिकॉज आप जानते हो कि पॉल का एटीट्यूड कैसे, ऐश ने उसे सिनो लीग में हरा के उसका पूरा एटीट्यूड तोड़ दिया, मतलब तोड़ दिया। हाँ उसके बाद उसका पूरा उन्हें समझ गया कि पोकेमॉन बैटल्स के लिए नहीं होते, उसे नहीं होते। सो इसे पॉल नंबर 1 में आता है बिकॉज वो बहुत ही स्ट्रांग राइवल था और उसका इलेक्ट्रोबज यार कितना स्ट्रांग था यार, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था, तो इसलिए वो नंबर 1 डिजर्व करता है।